हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइटों पे क्रेन का यूज किया जाता है और जो सिग्नलर है जो सिग्नल देता है ऑपरेटर को ताकि क्रेन को सही डायरेक्शन में ऑपरेट किया जा सके, तो उनके बीच में हमेशा वॉयस सिग्नल पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि बोल के हम उसे सिग्नल नहीं दे पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर नॉइस रहता है, साउंड रहता है ना, कि एक दूसरे को सुन नहीं सकते। इसके लिए हैंड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हैंड सिग्नल के बारे में जानने वाले हैं जो कि ओसा स्टैंडर्ड पर बेस है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, होस्ट में इस तरह का सिग्नल होगा, लोअर है, स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप है, रेज बूम में आप कैसे इशारा करेंगे, लोअर बूम में आप कैसा इशारा करेंगे, रेज बूम, लोअर लोड, लोअर बूम, रेज लोड, स्विंग राइट, स्विंग लेफ्ट और होस्ट स्लोली, लोअर स्लोली, रेज बूम स्लोली, लोअर बूम स्लोली, रिट्रैक्ट बूम, एक्सटेंड बूम, यूज ऑक्सिलरी, यूज मैन, डॉग एवरीथिंग, ट्रैवल ऑन ट्रैक, ट्रैवल बोथ ट्रैक एंड ट्रैवल। इतने सिग्नलों के बारे में, यानी कि लगभग 22 सिग्नल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज मेन आप इस तरह का इशारा करेंगे और लोअर बूम एंड रेज लोड का आप इस तरह से इशारा करेंगे, होस्ट स्लोली आप इस तरह का इशारा करेंगे, स्टॉप के लिए आप इस तरह का इशारा करेंगे, लोअर सिग्नल, एक्सटेंड बूम सिग्नल, लोअर बूम स्लोली सिग्नल, स्विंग राइट सिग्नल, लोअर स्लोली सिग्नल, ट्रैवल सिग्नल, लोअर बूम सिग्नल, होस्ट सिग्नल, ट्रैवल वन ट्रैक सिग्नल, रेज बूम सिग्नल, स्विंग लेफ्ट सिग्नल, ट्रैवल बोथ ट्रैक सिग्नल, रेज बूम एंड लोअर लोड सिग्नल। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रिट्रैक्ट बूम सिग्नल यानी बूम को अंदर करना, डॉग एवरीथिंग यानी काम बंद करो, चलो लंच करते हैं, सभी काम को स्टॉप करो, यूज ऑक्सिलरी यानी कि दो तरह का हुक है, उसमें ऑक्सिलरी जो होस्ट है उसको यूज करना है, रेज बूम स्लोली, बूम को ऊपर धीरे धीरे उठाना है। हैंड सिग्नल का प्रयोग काफ़ी वाइडली किया जाता है, लेकिन कई जगहों पे वाकी टाकी का भी प्रयोग करते हैं जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन हैंड सिग्नल जहाँ भी कहीं नॉइज़ से, जहाँ भी क्रेन ऑपरेटर और सिग्नलर एक दूसरे को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और क्विक है। और इसमें मेन कि कोई किसी तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है और किसी तरह का इसमें ख़राब होने का भी कोई चीज़ चांस नहीं है, यानी कि सिग्नल परफेक्ट होता है अगर सिग्नलर और ऑपरेटर एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो सिग्नल है ना, वो काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है, जो कि ओसा स्टैंडर्ड है और ओसा स्टैंडर्ड हर जगह मान्य है। तो आई होप आपको ये सारा सिग्नल आपने देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।